नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन विच वी आर डिस्कसिंग सर्टेन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज, सर्टेन टॉपिक्स रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी. एंड सो इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड प्राइसेस, हाउ दे मूव व्हेन द मार्केट्स मूव अप और डाउन. ये चीज कैसे मूव करती है जब हमारा मार्केट या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है. जब भी हम बात करते हैं स्लो डाउन की, रिसेशन की, डिप्रेशन की, जब हमने ये वीडियो डिस्कस किया था, इन कंडीशंस में कैसे जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये बिहेव करते हैं, कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के प्राइसेस एक तरीके से लिंक होते हैं, एक रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, साथ ही साथ कैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, यहां पे यील्ड का मतलब क्या होता है, इन सब मुद्दों पे यहां पे बात करेंगे. मैं जानता हूं कि ये जो टॉपिक है ये जनरली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लेके आता है अपने साथ में, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां से कनेक्टेड वे में हमको समझने की जरूरत पड़ेगी. तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, मैं आपके लिए इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आया हूं. वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द बॉन्ड. स्टार्ट करेंगे हाउ द बॉन्ड वर्क्स और उसके बाद में मैं एक एक क्लियर इसकी खोलता जाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर थ्री थिंग्स मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज द फेस वैल्यू, सेकेंड वन इज द इंटरेस्ट विच यू ऑल्सो कॉल और रीड इन द न्यूज पेपर एज कूपन, एंड द थर्ड इज द मैच्योरिटी पीरियड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फेस वैल्यू. Here I have mentioned an example in front of you. This is me and this is you. Okay, I am the issuer of the bond and you are the receiver of the bond. तो अब bond है ही क्या? ठीक है, bond basically दोस्तों एक instrument होता है जिसके through आप ये समझ सकते हो कि एक loan लिया जाता है. तो bond एक collateral होता है जिसको आप as a security किसी व्यक्ति को दोगे. मान लीजिए आपके पास एक paper है, एक अग्रीमेंट टाइप का, एक स्टैम्प पेपर जैसा रहता है, राइट? आपने वो पेपर किसी को दिया कि आई एम अश्योरिंग यू दैट आई विल रीपे योर अमाउंट विच यू आर गिविंग मी एट दिस टाइम. ठीक है, तो ये मान लिया हमने बॉन्ड. नाउ आई हैव द बॉन्ड, आई एम द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड, सो आई इश्यूड द बॉन्ड ऑफ 100 रुपी. ठीक है, तो ये जो 100 रुपी है इसको आप वैल्यू ऑफ स्टॉक भी मान सकते हो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कि इश्यूअर ने डिसाइड करी, मतलब मैंने डिसाइड करी मेरे बॉन्ड की वैल्यू होगी कितनी, 100 रुपी. नाउ यू आर द रिसीवर और यू आर परचेसिंग दिस बॉन्ड. ठीक है, तो यू परचेस दिस बॉन्ड ऑफ 100 रुपी. तो अगर आपको ये बॉन्ड परचेस करना है तो आपको 100 रुपए मुझे देना पड़ेंगे. आपने 100 रुपए मुझे दिए, मैंने आपको इसके बदले में बॉन्ड दिया. अब जब मैंने आपको बॉन्ड दिया तो यहां पे मेरे को दो चीजें आपको बतानी पड़ेगी. ठीक है, या फिर आप मुझसे पूछोगे कि दोस्त आप 100 रुपए ले तो रहे हो, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? मैच्योरिटी पीरियड मतलब आप मुझसे 100 रुपए वापस कब दोगे, आप पूछोगे, क्योंकि आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो. तो मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि आपका मैच्योरिटी पीरियड है इस बॉन्ड का 10 साल, मैं आपको 10 साल बाद आपके 100 रुपए वापस लौटाऊंगा. तो आप बोलोगे ठीक है, मगर इस 10 साल तक मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको. तो मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल इंटरेस्ट दूंगा मैं, लेट इट बी 10%. मैंने बोला कि मैं हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा. तो आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, मैंने आपको बॉन्ड दे दिए इस शर्त पे. अब दोस्तों क्या हुआ, देखिए मैंने यहां पे मेंशन कर भी दिया है, मैंने आपको यहां पे बॉन्ड दिए एक एरो यहां, इसके बदले में आपने मेरे को 100 रुपए दिए और 10% इंटरेस्ट एनुअली मैं आपको दूंगा. ठीक है, और क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर है तो आफ्टर 10 ईयर्स यू रिटर्न बॉन्ड टू मी एंड आई विल रिटर्न योर 100 रुपी. This is the deal between us. चलिए, ये तो हो गई वर्किंग बॉन्ड की, कि बॉन्ड कैसे काम करता है. अब मुद्दा जो था समझने का वो था यील्ड और प्राइसेस के बीच में रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप होती है इनवर्स जैसा आपको दिख रहा है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंड लेयर पे आते हैं. चलिए, आपने बॉन्ड लिया, अब दोस्त मान लो आपने ये बॉन्ड अपने पास 2 साल तक रखा, 2 साल के बाद आपने यही बॉन्ड, जो ये ले लेते हैं यू सोल्ड दिस बॉन्ड टू योर फ्रेंड. ठीक है, आपने ये वाला बॉन्ड अपने फ्रेंड को सोल्ड आउट कर दिया. अब दोस्तों इसमें एक और चीज है, जब आपने इसको सोल्ड आउट किया अपने फ्रेंड को, लेट अज्यूम दैट देयर इज अ स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन योर GDP इज गोइंग डाउन और यू आर फेसिंग स्लो डाउन योर इंडियन इकोनॉमी.
the country you are living in, that is India, that is facing a slowdown. अब दोस्तों जब भी आप स्लो डाउन की सिचुएशन से गुजरते हो तो क्या होता है कि आपके यहां मार्केट में जो मार्केट होता है उसमें ट्रस्ट कम हो जाता है लोगों का. अब ध्यान से देखो, जब मैं आपको बता रहा था मी का एग्जांपल लेके, मैंने आपको बॉन्ड दिया, तो हम तो एक्सचेंज कर नहीं रहे बॉन्ड, हम यहां पढ़ने क्या है. तो बॉन्ड जो इशू करता है ना दोस्त, वो करती है या तो गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर. अब ये क्यों करता है, क्योंकि दोनों को पैसों की जरूरत होती है. कॉर्पोरेट को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होगा, गवर्नमेंट को कुछ या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, उसके सोशल सेक्टर स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए चाहिए होगा. तो दोस्त जब आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है ना, तो क्या होता है कि मार्केट मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहां पे रिस्क ज्यादा होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में स्लो डाउन के टाइम पे, कि क्या पता कौन सी कंपनी डूब जाए. ठीक है, माइट बी पॉसिबल अनिल अंबानी सिर्फ 2 साल में डूबने वाली कंपनी बन गई. ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉर्पोरेट सेक्टर डूब सकता है. तो लोगों का जो ट्रस्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर से वो कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढते हैं. ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, अब आपको कहीं तो इन्वेस्ट करना है. अब आप अपना पैसा ऐसी जगह भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि पैसा ही डूब जाए, तो आप सेफ इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हो कि ठीक है यार स्लो डाउन चल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का तो भरोसा नहीं है, मगर हां अगर मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेस करता हूं तो गवर्नमेंट तो नहीं डूबेगी. बराबर, तो आप क्या करोगे दोस्त कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स परचेस करोगे. तो देखो क्या होगा, पीपल जो है, जो लोग हैं, वो किसमें इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. इन्हीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे यहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया. अब जैसे जैसे लोगों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चालू किया दोस्त, तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी. डिमांड किसकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड्स की. ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड्स की, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती, हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था, क्या होता है अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसकी प्राइस बढ़ती है या कम हो जाती है, ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ेगी. मतलब कि अब वापस से उसी एग्जांपल पे आते हैं, आपने मुझसे 100 रुपए देके बॉन्ड ले लिया, मगर और यहां पे मैं नहीं, अब मैं जो था उसको गवर्नमेंट मान लीजिए. ठीक है, अब आपने गवर्नमेंट से 100 रुपए देके बॉन्ड ले लिया. ठीक है, अब ये 100 रुपए जब आपके यहां स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, तो आपकी बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, ये हमने देखा अभी. क्यों, क्योंकि मार्केट में आपका ट्रस्ट कम हो गया लोगों का, तो लोग आपके पास ज्यादा आएंगे खरीदने कि यार गवर्नमेंट बॉन्ड आपके पास है, हमको दे दो ये बॉन्ड. ठीक है, जैसे ही ज्यादा लोग आपके पास आएंगे बॉन्ड खरीदने, आप उसकी प्राइस बढ़ा दोगे कि ठीक है मैंने तो 100 रुपए में लिया, मगर आज इसकी डिमांड ज्यादा है, अब मैं इसके 110 रुपए चार्ज करूंगा. ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड को 2 साल बाद जब मार्केट में स्लो डाउन आ गया, तो आप यही 100 रुपए का बॉन्ड उसको मान लीजिए 110 रुपए में बेच दें. ठीक है, बेचोगे आप 100% ज्यादा में. ठीक है, मतलब 100% आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो आपने 10 रुपए बढ़ा के उसको बेच दिया. अब ध्यान दो दोस्त, आपने 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है, आपको कितना इंटरेस्ट दे रहे थे गवर्नमेंट, या फिर जो मैंने एग्जांपल लिया था मैं, वो दे रहे थे 10% का. ठीक है, मतलब हर साल 10 रुपए आपको मिल रहे थे. आपका जो फ्रेंड है, भले ही उसने 110 रुपए आपसे 10 रुपए ज्यादा देके बॉन्ड लिया, मगर उसको भी इंटरेस्ट कितना मिला था, जितना हमारा तय हुआ था वो कितना हुआ था, 10%, मतलब कि 100 रुपए पे 10 रुपए. तो जो गवर्नमेंट है वो आपके फ्रेंड को भी सिर्फ 10 रुपए ही देगी एनुअली. ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, आपने सिर्फ 100 रुपए दिए थे गवर्नमेंट को, ठीक है, और आपको कितने रुपए मिल रहे थे हर साल, 10 रुपए. आपके फ्रेंड ने आपसे ज्यादा रुपए पे करे, ठीक है, 2 साल बाद 110 रुपए, मगर उसको भी सिर्फ 10 रुपए मिल रहे, तो उसकी यील्ड क्या हो गई, जब उसने खरीदा उसकी यील्ड कम हो गई. ठीक है, क्योंकि उसने ज्यादा रुपए दिए मगर इंटरेस्ट उसको अभी भी आपके जितना ही मिल रहा है, तो उसकी यील्ड क्या हो गई, बॉन्ड की यील्ड, वो बॉन्ड की यील्ड उसकी कम हो गई. अब देखो यहां पे रिलेशन, अब आपने एस्टेब्लिश कर लिया दोस्त कि आपके अगर प्राइसेस बढ़े बॉन्ड के, जैसा यहां पे आपने देखा बॉन्ड के प्राइसेस बढ़े जब आपने अपने फ्रेंड को बेचा, तो उसकी यील्ड क्या हो गई, उसकी यील्ड कम हो गई. और यहां पे डिमांड क्या हुई, यहां पे डिमांड बढ़ी. ठीक है, मतलब डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़े और यील्ड कम हो गई. ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ट्विस्ट निकाला. शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एक साथ खरीदना, एक साथ बेचना, 10,000 करोड़,
इसको हम अपने लेक्चर में जरूर डील करेंगे. तो स्टे ट्यून विथ मी. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बॉन्ड कैसे काम करते हैं, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस कैसे, मार्केट जब अच्छा चलता है. यहां तो मैंने स्लो डाउन का एग्जांपल दिया. अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है तो अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मार्केट में स्लो डाउन नहीं है, बूम है, ठीक है, आपकी इकोनॉमी में बूम है, तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी या कम होगी, यह आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर समझे अच्छे से या नहीं. सो इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.